हाय चैंपियंस, हाउ आर यू? वेलकम टू करियर अड्डा। हियर फोर मोर क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम एससी वर्मा बुक, क्लास 9 फिजिक्स। टॉपिक इज मोशन। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। इसलिए मैंने चार क्वेश्चन एक साथ लिए इस लेक्चर में। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन। गिवन लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, बहुत ईजी है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो हो गई, क्योंकि वो स्टेशन से स्टार्ट कर रहा है। मूव्स विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है फॉर 2 मिनट्स। टी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2 मिनट्स। उसके बाद इफ इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 400 मीटर इन दिस पीरियड, फाइंड द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमको फाइंड आउट करना है। मिनट को मैं क्या करूँ, आप सेकंड में चेंज कर लो, तो 2 × 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 सेकंड्स हो जाएंगे, है ना? तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें यू टी एस ए आता है? ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन पुट कीजिए और सॉल्व कर लीजिए। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है? 400 मीटर। यू की वैल्यू जीरो, तो ये टर्म पूरा जीरो हो गया। हाफ इंटू ए की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और टी की वैल्यू कितनी है? 120 स्क्वायर। ठीक है, तो ये 400 × 2 = a × 144 00। ठीक, 144 00 को मैं इधर ट्रांसपोज करूंगा, तो 400 × 2 / 144 00000 विल बी कैंसल आउट। 2 × 1 = 272 / 144 / 2 = 4 और 2 × 3 = 2 6 × 2 1 = 2 18 तो 1/18 m/s² ये आपका एक्सलरेशन आ गया। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सलरेशन आ गया 1/18। इसको आप डेसिमल में चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, 0 point something आंसर आएगा, 0.05 m/s² अप्रॉक्सीमेट आपका एक्सलरेशन आएगा। ठीक है, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन आप क्या करो, गिवन लिखो, गिवन लिखते जाओ, आंसर आपका आते जाएगा। अ शिप मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सलरेशन ऑफ, एक्सलरेशन की वैल्यू गिवन है 36 km/h², है ना, इन अ फिक्स डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन चल रहा है। स्पीड अप फ्रॉम, स्पीड अप हो रही है उसकी, तो इनिशियल वेलोसिटी 12 km/h, फाइनल वेलोसिटी 18 km/h। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड बाय द शिप इन दिस पीरियड, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें यू वी एस ए आता है, थर्ड इक्वेशन आता है, थर्ड इक्वेशन पुट कर दीजिए। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS, वी की वैल्यू 18 स्क्वायर, यू की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी यू की वैल्यू कितनी की बना है, 12 स्क्वायर, 2 × a की वैल्यू कितनी है, 36, सब किलोमीटर पर आवर में है तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, डिस्टेंस भी हमारा किलोमीटर में आ जाएगा, है ना। एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? 18 का स्क्वायर कितना होता है? अगर मान लो याद नहीं आता है आपको, वैसे तो आपको 20 तक याद रखना चाहिए, अगर याद नहीं रहता है तो आप क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लिया करो तुरंत, टाइम वेस्ट मत किया करो। 8 × 8 = कितना होगा, 64, 6 × 8 = 1 8, 8 × 6 कितना होगा, 14, 1 8 4 2 3 324। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, 36 × 2 = कितना होता है, 72 × s। अब मैं क्या करूँगा, 324 − 144 / 72, है ना, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, ट्रांसपोजिंग तो आपको आती ही होगी। 300 में से 100 गया कितना बचा, 200 224 में से 4 गया 20, 220 में से 40 गया, तो 180 / 72, दैट इज आवर डिस्टेंस। इसको चाहो तो आप कैंसिल कर लो, 9 × 8 = 72, 9 × 20 = 180, 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20, तो 5/2 या फिर 2.5 किलोमीटर उसका कितना आ गया,
डिस्टेंस आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है हमको, ठीक है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग dt फ्रॉम 0 t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10। कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है। ये हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं, vt ग्राफ t इज इक्वल टू सेकेंड एंड v इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। हाँ, तो मूव कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं यहाँ पे 0 5 10 ले लेता हूँ। और उसके बाद वो क्या कर रहा है, 0 2 4 6 8 एंड 10 तक चल रहा है, t इज इक्वल टू 0 से 10 सेकेंड्स के लिए। तो वो क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया है, तो विद अ यूनिफॉर्म स्पीड के लिए वो क्या करेगा, एक स्लोप बन जाएगा हमारा, कहाँ तक के लिए, 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्लोप, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था हमको, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना था, गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइसाइकिल मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ u इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर, v इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 10 मिनट्स, t इज इक्वल टू 10 मिनट्स, एंड देन d एक्सेलरेट्स एट द रेट ऑफ a इज इक्वल टू 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स, फाइंड द till it stops, v is equal to 0, है ना? Find the total distance covered by the bicycle. तो हमको क्या given है, u, a, v और t given है। सबसे पहले तो वो बोल रहा है कि a bicycle moves with the constant velocity of 5 km per hour. 5 km per hour की speed से वो चल रहा है for 10 minutes. 10 minutes के लिए चल रहा है, constant velocity. Velocity अगर constant हो गई तो acceleration क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, है ना? तो इसके लिए हमारा एक्सेलरेशन 0 है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, v फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, ठीक है। तो क्या हो गया, ये t 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, v की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, u की वैल्यू कितनी है 5, तो v की वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर, है ना? ऑब्वियसली बात है, v की वैल्यू भी क्या होगी, 5 किलोमीटर पर आवर होगी। उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, देन डी एक्सेलरेट्स एट द रेट, है ना, देन वो क्या कर रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स वो क्या कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है, डी एक्सेलरेट कर रहा है मतलब a इज इक्वल टू माइनस 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर टिल इट स्टॉप्स, टिल इट स्टॉप्स मतलब v इज इक्वल टू 0, ठीक है। और v इज इक्वल टू 0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर। पहले वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, फिर वो डीएक्सलेट करना स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी तो वही रहेगी आफ्टर 10 मिनट्स, फिर एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव आ गया और वी की वैल्यू 0, फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है, ए वी यू एस से, ए वी एस के थर्ड इक्वेशन है ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, वी की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 5, 2 ए की वैल्यू माइनस 1, एस ये हो गया 25, माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू एस, माइनस 20, माइनस माइनस विल बी कैंसल आउट, 25 बाई 2 दैट इज 12.5 किलोमीटर, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया 12.5 किलोमीटर, ये हो गया आंसर। समझ में आया बच्चों, थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन में, पर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है आपका तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।